जय जीवदानी। अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत देखने वाला है कि कर्क राशि में पहले से मंगल बैठे हुए हैं जो कि जल्द ही वहाँ से हट जाएंगे। शुक्र भी बैठे हुए हैं जो कि दूसरे दिन ही हट जाएंगे, लेकिन सन्मुख है शनि। तो जो जो अच्छे पॉइंट्स मैं सूर्य के कर्क राशि में आने से क्या अच्छा होगा ये बता रही हूँ, इसमें सावधानी बरतिएगा। थोड़े दिनों तक जब तक सूर्य मंगल जो साथ में बैठे हैं कोई भड़की हुई ज्वाला की तरह ना भड़कें, और सामने बैठा शनि कोई गलत डिसीजन ना करवाए, उसकी दृष्टि से आपके कामों में अड़चन ना पड़े, इसलिए आपको बहुत समझदारी से अपने काम बनाना है। सूर्य कर्क राशि में आके काफ़ी प्रकाश डालेगा उस भाव का कि कर्क राशि आपकी कौन सी भावेश है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आगे की तैयारी कराएगा सूर्य, क्योंकि सिंह में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो बहुत सारे आपके काम बनने वाले हैं, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी जब सूर्य कर्क में आएगा। लेकिन सावधान रहिएगा, सूर्य और मंगल थोड़े दिनों के लिए साथ हैं और सूर्य पर है शनि की दृष्टि। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश तारीख 16 जुलाई 2021 को दोपहर बाद 4:52 के बाद सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर वो रहेंगे, स्थित रहेंगे 16 अगस्त तक। इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन्हें ये जानना है कि मैं राशिफल लग्न या राशि से बताती हूँ, तो मैं लग्न से बताती हूँ राशिफल। कभी कभी बोलने में इधर उधर राशि लग्न फेर फेर हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि सूर्य क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कि सूर्य उदित होने पर नींद से उड़ जाना है, ये एक कम्युनिकेशन का दाता है। सारे संसार का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है सूर्य के उदित होने से। पशु पक्षी ब्रह्मांड सब जग जाता है और सब अपने अपने काम पे लगते हैं, और जो नहीं जगते हैं वो फिर तरह तरह के दुख के सहभागी होते हैं। मैंने कई बार अपने मेडिटेशन लेक्चर में आपको सूर्य के विषय में कई बार समझाया। आप मेरे मेडिटेशन मोटिवेशन के लेक्चर भी देखा करें जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हों। याद रखिए कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है, और आत्मा पिता से मिलती है, सूर्य आत्मा का कारक। इसके साथ साथ सूर्य जो है आत्म सम्मान का कारक, सूर्य आपके मान सम्मान समाज में जो मिलता है उसका कारक, आपके कम्युनिकेशन मतलब कि जो आप बोलते हैं उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा, उसका कारक। सूर्य जो है आपके अगर कहूँ मैं तो दशम भाव का कारक होता है और खूब सारी ऊर्जा का कारक होता है, क्योंकि खुद वो ऊर्जा का स्रोत है, पूरे संसार के लिए शक्ति का स्रोत है, पूरे संसार के लिए सर आपकी बॉडी में भी वो शक्ति का स्रोत है। इच्छा शक्ति है आपकी कि आपको काम करने की कितनी इच्छा है, कितना उत्साह है, कितना आपके अंदर उबाल है कि मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा या करूँगी, कितना आत्मविश्वास है आपके अंदर कि मैं ये कर दिखाऊंगी, ये सूर्य से आपकी कुंडली में देख के पता चलता है। करियर का कारक है आपके कि आपका करियर कितना आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा, कि सूर्य बताता है कि आपके अंदर की ऊर्जा कैसे काम करेगी। फिर ये नौमांश कुंडली और आपकी अपनी लग्न कुंडली दोनों देख के पता चलता है। आपकी पर्सनैलिटी में कितना जोश है, कितना उमंग है, आपकी पर्सनैलिटी बुझी हुई है या आप बहुत उजागर हैं, ये भी सूर्य को देख के पता चलता है। अब जिसमें जा रहा है सूर्य वो है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा जो कि एक जल तत्व की राशि, और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ऐसी मोटी मोटी तो सूर्य चंद्र आपस में मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है चंद्रमा के घर में जाके, क्योंकि खुद वो एक अग्नि तत्व का गोला है और वो जल तत्व में जाके वहां पर उसके जैसा बिहेव करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि तो जल में जाके बुझ जाती है। बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं कि सूर्य कर्क राशि में जाता है तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। मैं आपसे ये कहूंगी कि सूर्य चंद्र मित्र हैं, वो प्रभाव तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन उसकी जो जितनी शक्तियां होती है, जैसे सूर्य किसी राशि किसी भाव में जब जाता है
तो सूर्य उस राशि उस भाव के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। सूर्य एक लाइट है, जैसे आपके घर में सूर्य आ गया तो उसने एकदम प्रकाश फैला दिया, इसी तरह सूर्य जिस घर में जाएगा, भले रोग के घर में जाएगा तो रोग फैला देगा अगर वो उसका भावेश खराब है तो। बट ये भावेश खराब नहीं है, चंद्र जो है उसके घर जा रहा है तो बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे घर में जा रहा है और वहां जाके आपका मान सम्मान, आपका मन की स्थिति, इसकी ऊर्जा बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा आपकी इमोशन का कारक है। तो सूर्य यहाँ जाके आपके इमोशंस को जागृत कर देता है, आपके अंदर के भावनाएं जो ममता होती है उसको उजागर कर देता है। सूर्य आप जिस भावेश में सूर्य जाएगा उसका गुण बढ़ा देता है सूर्य। तो सूर्य जो है वो अनुशासन को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर हे वायर नहीं जाता कुछ भी इमोशन होने से, सब कुछ अनुशासन में रहता है। और सूर्य जो है वो सहानुभूति कारक हो जाता है यहाँ पर, मतलब केयरिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा दूसरे का ध्यान रखने वाला हो जाता है। अगर लेकिन ये सब जो मैंने बातें कही आपसे अभी, ये सब तभी कारगर होती हैं जब चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होती है। समझ लीजिए चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो यहाँ पर सूर्य जो है उसका फल आधा हो जाएगा। ये भी देखा जाएगा चंद्रमा और सूर्य आपके कितने कारक हैं या मारक हैं, चंद्रमा सूर्य आपको कितना फायदा दे रहे हैं, वो भाव में कहाँ बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि है, कौन साथ में बैठा है, इन सब बातों का ध्यान रख के फिर बताया जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन योर हॉरोस्कोप। अभी ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाए थे माता का कारक और सूर्य पिता का कारक, तो माता पिता जैसा काम करने के लिए सूर्य जो है वो चंद्रमा के घर में आ रहा है। अब सूर्य और किसका कारक होता है, सूर्य सरकार का कारक होता है, राजा दरबारी, मतलब दरबारी सरकारी जो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका मतलब ये होता है कि सरकार का कारक होता है। सूर्य जो है वो राजनीति का कारक होता है और चंद्रमा भी राजनीति का कारक होता है। तो स्थिति अच्छी बनती है राजनीति वालों के लिए, स्थिति अच्छी बनती है नेताओं अभिनेताओं के लिए, क्योंकि नेता अभिनेता जो होते हैं इमोशन से आगे बढ़ते हैं, इमोशन का काम करते हैं पर्दे पे, तो उनका इमोशन बहुत अच्छे से खिल के आता है, व्यक्तित्व में एक अट्रैक्शन उनके पैदा होता है जो कि सूर्य चंद्र का अट्रैक्शन है। क्रिएटिविटी जागती हुई, चंद्रमा क्रिएटिविटी से बहुत जुड़ा हुआ है और सूर्य उसके गुणों को उजागर कर देता है। पर फिर से वही बात आती है कि चंद्र की स्थिति क्या है वो देखना पड़ेगा। चलिए आइए हम ये भी जान लें कि कोई भी राशि में जब कोई ग्रह प्रवेश करता है तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि अच्छा ही चलेगा या बुरा ही चलेगा, क्योंकि वो नक्षत्रों के हिसाब से फल दे रहा था। अब सूर्य जो है वो 16 जुलाई को गुरु के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेगा चंद्रमा के घर में, तो 20 जुलाई के बाद वो पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा। तो जब तक मतलब 16 17 18 19 20 ये 4 दिनों में अध्ययन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी इन सब कार्यों से रिलेटेड जो भी काम आपको बनाने हैं आपको फटाफट बनाने हैं, उसको लेट नहीं करना है। फिर आप कहेंगे कामनी जी आपने तो कहा था कि चंद्र के घर में सूर्य अच्छा जाएगा, बट जैसे ही पुष्य नक्षत्र लगेगा वैसे ही शनि का प्रभाव आ जाएगा सूर्य चंद्रमा पे। तो याद रखें कि शनि मित्र नहीं है सूर्य चंद्रमा का, काली माँ का द्योतक है और इनकी जो शक्ति है उसको वो थोड़ा सा डिम कर देगा। अब याद रहे कि आगे भी नक्षत्र बदलेगा और 3 अगस्त को सूर्य जो है वो अश्लेषा बुध के नक्षत्र में जाएगा और तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा आपके बहुत सारी कम्युनिकेशन के काम, टेक्नोलॉजी के काम, अंक ज्योतिष, बोलना चालना, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, गाना वाना, इमोशन, एक्टिंग, खेतीहारी, कोई भी ऐसे जितने भी काम है वो सूर्य आपको उसमें फायदा देगा। तो चलिए आइए अब मैं बात करती हूँ मेष से लेके मीन राशि तक वालों के लिए सूर्य ने क्या क्या फायदा देना है आपको। और वो वाली बात याद रखिएगा, पुष्य नक्षत्र वाली के 20 तारीख से लेके 3 तारीख तक अगर किसी भी प्रकार की बेचैनी होती है तो दोष नहीं देना है किसी को भी, और ये समझ लेना है कि ये ऐसा है, अपने को थोड़ा सा ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा काम को, तब जाके अपने काम बनेंगे। मेष राशि, मेष राशि के लिए सूर्य का कर्क में प्रवेश करना मतलब घर की
कामों में, घर के रेनोवेशन में, घर की बातों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, माता की तबीयत का ध्यान रखना, माँ का अचानक से आपको खूब सपोर्ट होना, उनसे सहानुभूति मिलना, आपके वाहन की कोई प्लानिंग बनना, आप सोच रहे हैं अब बच्चों के लिए भी कुछ खर्च करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए, आप सोच रहे हैं कुछ व्यवसाय की भी, तो वो अभी इतना कारगर नहीं होगा, अभी तो फिलहाल घर की बात कीजिए, और जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों की भी आप सोचेंगे उसकी बात कीजिए। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य जो है वो कर्क राशि में जाकर ये संदेशा देता है आपको कि अब अपने को उत्साह आया, भले ही अपने बड़े पेशेंस से काम कर रहे हैं, कूल दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम करेंगे आप, और आपके घर के कई काम निपटाएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई काम निपटाएंगे, माँ का कोई काम है जो पेंडिंग आपके हाथ में दिया था, नहीं हो रहा था, तो वो निपटा देंगे आप। इसके साथ आप कुछ छोटे भाई बहनों के साथ अनुबंध करेंगे काम के लिए, आप कुछ यात्राओं में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपके काम बनते हों, फिर इसके साथ आपका उत्साह उमंग में, आप ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब काम एक साथ मत हाथ में लीजिएगा, क्योंकि फिर वही बात कि 20 तारीख से लेकर 3 तारीख तक सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएंगे, बहुत असर पड़ता है सूर्य के नक्षत्र या किसी भी ग्रह के नक्षत्र बदलने से। तो ध्यान रखिएगा कि अपने जितने भी कार्य हैं ये नक्षत्रों के हिसाब से बनाइएगा। वीडियो में जो पहले बोला करती हूँ उसको देखा कीजिए। मिथुन राशि, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। अब सूर्य जो आराधना नक्षत्र में था आपको परेशान किया उसने, हालांकि वो मिथुन राशि में था, आपको लगा कि बहुत कुछ होगा लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद जब पुनर्वसु में आए तो आपकी ब्रेन की लाइट जगी और आप काफ़ी कुछ कर पाए, और अभी ये जो पुनर्वसु में फिर भी रहेगा और बाद में जब अश्लेषा में आएगा तो आपके वाणी से रिलेटेड, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, इन सब बातों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड बहुत सारे काम बनेंगे। अपने संचित धन को संभाल के रखिएगा, अपने छोटे भाई बहनों से बना के रखिएगा, वो भी खूब सारा मेहनत करेंगे आपके साथ, और साथ साथ आपकी मेहनत में बहुत ज़्यादा थकन भी हो सकती है, कुछ पैसे भी खर्च हो सकते हैं, तो संभल के कीजिएगा, बस यही हिदायत है। आपके लिए अच्छा समय है। कर्क राशि, लग्न में सूर्य आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। द्वादश में बैठा हुआ था, आपको तकलीफ दे रहा था, आपके कहते हैं ना कि धन भाव का स्वामी है, संचित धन का स्वामी है, तो अब आके सुझाएगा आपको कि पैसे कैसे कमाने, आपको ऑफर्स भी आएंगे नए नए, सरकारी दरबारी, कुछ ऐसे काम आपको करने थे जो पर्सनालिटी से रिलेटेड थे, नेतागिरी थी, अभिनेतागिरी थी, तो वो काम आपके बन जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को उजागर कर देगा, एकदम लोगों के सामने लाएगा, आपकी अच्छी इमेज बनाएगा, परिवार से सपोर्ट दिलाएगा, पैसा आएगा, संचित धन में वृद्धि हो जाएगी, बोलने चालने के काम में आगे बढ़ेंगे आप। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश हैं और द्वादश में आके थोड़ा तो बेचैन करेंगे आपको। द्वादश में कोई ग्रह इतना अच्छा नहीं माना जाता, खासकर सूर्य जो है वो आपके विदेश रिलेटेड काम बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के कुछ सरकारी दरबारी, इंटरनेट के काम, कुछ कागजों के काम हैं तो बना लीजिए, और बाकी आपके प्रेम संबंध अच्छे घरों में, अच्छे घर में हो सकते हैं, और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको ऐसा था कि बहुत पैसे लगने वाले हैं, खर्चा होने वाला है, तो वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपको कुछ करना था अपने लिए, तो अभी तबीयत ठीक रखने का भी समय है और अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करने का भी समय है, तो कीजिए सारे काम अपने से रिलेटेड, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब सिंह का सूर्य आएगा तब काफ़ी सारे काम बनाएगी आपके लिए, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। कन्या राशि, आपके लिए विदेश रिलेटेड काम जो बनने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लाभ आ रहा है, पैसा आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, और आप पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानी है तो अभी उसको सॉर्टेड करिए, आपके सरकारी दरबारी पेपर पहले, सबसे पहले जो ज़रूरी होते हैं, आपको सही सलाह मिल जाएगी, आपको वकील वगैरह सही मिल जाएंगे, कोर्ट केसेस में वगैरह आप आगे बढ़ सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, ये कहना बहुत ज़रूरी है, बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, ताया चाचा से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो अपने लाभ को संभाल के रखिए, इधर उधर मत कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब सूर्य का दशम में आना बहुत अच्छा है, लाभ का स्वामी है और दशम में वैसे ही सूर्य कारक होता है, तो आपके लिए बहुत फायदा देगा, आपके ऐसे कई काम जो सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड हैं बन जाएंगे तुरंत से, और आपके कुछ ऐसे काम हैं जो बुद्धिमानी से रिलेटेड हैं वो भी बनेंगे, अगर आप कोई इंक्रीमेंट वगैरह चाहते हैं तो अभी आवेदन भर सकते हैं, कुछ सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं,
आप कुछ अभी धन वगैरह पाना चाहते हैं, उठाइए कॉल, लगाइए, खर्चे हो जाएंगे उसमें धन पाने के, लेकिन धन आएगा आपका, अभी नहीं तो अगले महीने आएगा जरूर। आपके पिता का आपको फुल सपोर्ट रहेगा, उनसे आपके मानसिक लेवल और इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बनेगी। अपने कामों में इमोशन मत लाइएगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम बुद्धिमानी से करिएगा, इमोशन से नहीं, आपके वो भी काम बनेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये सूर्य का जो स्थानांतरण है बहुत अच्छा है। भाग्योदकारी संदेश से, सरकारी दरबारी गवर्नमेंट से, आपके कुछ आप कुछ काम कर रहे थे ऐसा जिसमें सरकार लिप्त थी, या कुछ ऐसे काम थे जिसमें आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, कुछ पेपर्स निकालने हैं, कुछ करना है, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो करिए काम, आपके काम होने जा रहे हैं। 1-2 महीने में फुल टू काम होंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। आपके कामों के बीच में इमोशन को मत लाइएगा और खड़तर होकर काम करिएगा और अपने काम बनाइएगा। यात्राओं पर अगर जाना पड़े किसी काम के लिए तो सावधानी बरतिएगा और सावधानी से जाइएगा। आपकी नेकनामी भी हो सकती है, समाज में आपकी इज्जत बढ़ सकती है। धनुराशि, आपके लिए सूर्य का कर्क में प्रवेश, मतलब आपका जो भाग्यश है वो अष्टम में आ जाएगा, तो बहुत सारी चिंताएं आपको आगे बढ़ने की, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। अगर इंसान सोचता है कि उसको आगे बढ़ना है और अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ, अपनी वस्तुस्थिति को जानेंगे आप कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा था इतने दिन से, तो वो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट सोचा तो सही आपने अपने लिए कि आप क्या कर रहे हो, और अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करेंगे आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आगे प्लान करेंगे कि क्या काम बनाना है, अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखेंगे आप, आगे पैसे कैसे आएंगे इसका ध्यान रखेंगे। तो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आपको खूब मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य आपका भाग्यश है। और अभी आपके अगर विवाहित जोड़ा है, आपके व्यावसायिक पार्टनर आपसे कुछ अनुबंध व्यावसायिक करना चाहते हैं या कोई नई ऑफर आती है, तो जरूर ले लीजिए। मकर राशि, आपके लिए अब सूर्य का आपके सप्तम भाव में आना आपके लिए कहता है सावधान रहिए अपने विवाहित जीवन को लेकर। थोड़ा सा सप्तम भाव में सूर्य का असर इतना अच्छा नहीं माना गया, वो प्रकाश वहाँ देता है सूर्य जहाँ पर आदमी बहुत इमोशनल होता है और उसके रिलेशन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे ना करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपके विवाहित जीवन अच्छा बने रहे और उनसे पूरा मानसिक सपोर्ट रहेगा आपको, आपको इमोशनल लेवल पे भी पूरा सपोर्ट रहेगा, आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी रहेगा। तो आगे आते दिनों में आपके कुछ व्यावसायिक अनुबंध होने वाले हैं, उसकी तैयारी अभी से करिए। आपकी नेकनामी रहे, आपका नाम ऊंचा रहे, ऐसा कुछ काम करिए, आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि वही बात है मकर राशि की तरह के, विवाहित जीवन को संभल के चलिएगा, बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। अपनी ईगो प्रॉब्लम लाके, अपना स्वाभिमान बीच में लाके, अपना अभिमान बीच में लाके कोई बात खराब ना करिएगा। वैसे सूर्य श्रेष्ठ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, विदेश रिलेटेड आपके कुछ काम बन सकते हैं, लेकिन किच-किच के बाद, ये समझिए आपके काम बैंकिंग रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड बनेंगे। आपकी तबीयत पर भी प्रकाश पड़ेगा कि अच्छा, मैं इतने दिन से डायग्नोज हो गया, ये बीमारी थी, तो आप उसको कुछ करने की ठीक कोशिश करेंगे। मामा पक्ष से आपके सहयोग मिलेगा, ये एक अच्छी खबर है कि सूर्य श्रेष्ठ में आए, और अब आगे चल के अगले महीने आपको विवाहित जीवन के पार्टनर से भी खूब फायदा मिलेगा। मीन राशि, सूर्य का पंचम भाव में प्रवेश, बहुत अच्छी स्थिति, माइंड एकदम प्रकाशमान हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा माइंड में, करना क्या है, लोन्स लेने हैं, पैसे लेने हैं, सरकारी दरबारी काम करने हैं, अपना मान सम्मान ऊंचा करना है, कुछ नेतागिरी अभिनेता करनी गिरी करनी है, क्या काम करना है, क्या व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है कि कुछ और काम करना है, सब आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, बच्चों के लिए क्या सोचना है, सब कुछ सूझेगा और डिसीजंस आपके एकदम बहुत सही होंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। बस अपने सूर्य के पंचम भाव में आने से अपने फटाफट काम बनाइएगा, और जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में रहें तब थोड़ा सा अगर डिम भी हो जाए काम तो घबराइएगा मत, आगे चल के ये स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है आपके लिए, तो ऑल द बेस्ट। मैं कामिनी का नाम बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या असर हुआ इस बात पर। इन दिनों मैं आपको बहुत सारी अपनी पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, शरीर के लिए, उसको जरूर देखिए, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मेरे जीवन के हीरे मोती हैं वो, और मैंने अपने आप को तकलीफ से निकालने के लिए सब किया है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।